ठीक है, ये देखिए हमारा ये पार्सल आया हुआ है, इसको हम खोल रहे हैं। इसके अंदर में हमारा 2 कुकिंग हीटर है बजाज का, आइए देखते हैं कैसा है अंदर। ये हमने बजाज वैको का कुकिंग हीटर मंगाया है, इसको जी कॉइल हीटर बोलते हैं। देख सकते हैं इस तरह से कुक कर सकते हैं इसका यूज़ करके। ये देखिए ये एंटी शॉक होता है, इसमें करंट नहीं लगता है, इसका सबसे प्लस पॉइंट यही होता है। बजाज भी बनाता है, इसके कई सारे ना थोड़े मतलब ज़्यादा फेमस वाले ब्रांड नहीं आते हैं खासकर, लेकिन बजाज भी इसका वैको सीरीज निकालता है, जिसमें आप देख सकते हैं ये है। अभी मैं इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ क्या क्या क्वालिटी, मतलब क्या क्या सामान इसके अंदर से निकल रहा है और कैसा क्वालिटी है। वैसे बजाज का है तो आप भरोसा कर सकते हैं, थोड़ी लंबा चलने का। इसका 2000 वाट रेटिंग है, लेकिन इसमें कहीं रेटिंग मेंशन नहीं किया है क्या? यहाँ पे है एक्चुअली हमारा ना यही वाला है 2000 वाट वाला है, लेकिन यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया है क्या? ये रहा, देख सकते हैं रेट 2100 रुपया है। ये रहा 2000 वाट, यस इलेक्ट्रिक कॉइल हॉट प्लेट, इसको हॉट प्लेट भी बोलते हैं, बट ये ना जी कॉइल के नाम से अमेजन या फ्लिपकार्ट पे जी कॉइल के नाम से आता है। तो अगर जो आपको ये यूज़ करना है और आप चाहते हैं कि सिक्योर भी रहे, शॉक ना लगे, तो ये ना बहुत अच्छा है। आप इस पर डायरेक्ट बर्तन रख सकते हैं, हाथ से टच भी कर सकते हैं। ये ऐसा है एक्चुअली, जो हमारा पानी गर्म करने वाला हमारा आता है, समझिए उसी के जैसा ही है ये। तो पहला ये रहा वारंटी कार्ड, ठीक है। ये निकला बजाज वैको का हाउस होल इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज इन सर्विस, ऐसा ऐसा कुछ कुछ लिखा है। इस कुकिंग हीटर का सबसे प्लस पॉइंट यही है कि ये ना एंटी शॉक है। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे बेंट है ये, कोई बात नहीं, ट्रांसपोर्टेशन का है ये मैटर, चलेगा। इसके लेग्स हैं, यहाँ पे क्या क्या डिटेल्स है ये देखिए, प्रोफेशनल, ठीक है। केबल लगभग ये 1 मीटर जैसा लग रहा है मुझे, तो वैसे नॉब है। थ्री सिक्सटी डिग्री है, किधर भी आप मूव करिए, थीटा इधर लिखा है। सो हमने इसके पहले भी इसका यूज़ किया है, काफ़ी अच्छा आता है, इसका क्वालिटी बहुत अच्छा होता है। तो इसको मैं अभी ना केबल दिखा देता हूँ कितना लंबा है, शायद आप लोगों के काम आए कि केबल के लेंथ की ज़रूरत पड़ती है। कई बार हमारा पोर्ट ऊपर होता है तो छोटा केबल होने से दिक्कत है। केबल की क्वालिटी कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छी देता है बजाज। तो इनके रूम हीटर्स भी मैं यूज़ करता हूँ, तो रूम हीटर्स भी बहुत अच्छे हैं इनके, देख सकते हैं लगभग ये ना 1 मीटर जैसा ही है। ये एयर वेंट दे रखा है इधर, इसको थोड़ा कूल रखने के लिए। मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ आप लोगों को कि किस तरह से दिखता है, और टच करने से भी कुछ नहीं होता है, मैं दिखाता हूँ आपको। कभी कभी अमेजन से लेने पे ना थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाता है अमेजन फ्लिपकार्ट से। तो ये देखिए रिंग चेक करते हैं, यहाँ पे कोई इंडिकेटर है नहीं जो दिखे, पहले आप चेक कर लीजिए सेफ्टी कंसर्न के लिए कि इसमें कुछ दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे कुछ नहीं है, नॉब इधर उधर भी करके देख लीजिए, ठीक है, शॉक प्रूफ है एकदम। गर्म हो गया, धुआं भी निकल रहा है। ओके,
ये पेंट पहला वाला जलेगा एक्चुअली, ठीक है। तो ये टेस्ट हो गया है, इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इंडिकेटर नहीं है, कोई भी इंडिकेटर नहीं है यहाँ पे। आप बॉडी को भी टच कर सकते हैं, ये पूरा एंटी शॉक है। अभी तो गर्म हो गया यार, सॉरी। बहुत ज़्यादा गर्म है ये, 2000 वाट का ना, बहुत जल्दी गर्म हो गया। मेरा फिंगर थोड़ा सा हो गया जल गया। बजाज का है तो आप भरोसा कर सकते हैं, थोड़ी लाइफ इसकी ज़्यादा रहेगी। ये कुकिंग हीटर ना मैं बहुत पहले से यूज़ करता रहा हूँ, बहुत अच्छा है, खासकर उनके लिए जो ग्रिलिंग लाइक किसी को अगर जो मैं चिकन फ्राई रोस्ट करना है, रोस्टिंग के लिए भी ना बहुत अच्छा है ये। इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड चाहिए, थोड़ा पावर कंजम्पशन तो होगा, कोई डाउट नहीं है। तो अगर जो आपको पावर कंजम्पशन का कोई टेंशन नहीं है तो उसके लिए आप ये वाला यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज बिल अच्छा खासा आएगा, कोई डाउट नहीं है इसमें। और लेकिन बहुत सेफ है ये, बहुत ही एक्स्ट्रा सेफ है मैं तो कहूँगा। आपको अमेजन फ्लिपकार्ट से मिले या कोई भी मार्केट में लोकल ब्रांड भी मिले तो आप ले सकते हैं। इसमें तो ज़्यादा कुछ होता नहीं है एक्चुअली। अब मैं सर्किट खोल के तो नहीं दिखा पाऊँगा अभी, वैसे कुछ है नहीं एक्चुअली। क्या होता है, ये कॉइल का कंपोनेंट आप देख सकते हैं, यहाँ नीचे गया ना, ये दो रॉड गया है, ये वाला एक ये गया है और एक ये गया है और एक ये, तीन रॉड गए हैं सॉरी, मतलब एक अर्थिंग है ना, ग्राउंडिंग है तो इसलिए तीन गया है। तो तीनों यहाँ पे कनेक्टेड है और मतलब सिंपल सर्किट है, सारे कॉइल्स यहीं लगे हुए हैं, थोड़ा सा ही है, तो ज़्यादा है नहीं। अगर मान लीजिए कुछ ख़राब भी होता है ना तो इजी टू रिपेयर है, हाँ इतना अच्छा है ये, ठीक है। तो हमारा एक तो ये हो गया, देख सकते हैं आप लोग। अभी जीरो पे मैंने कर दिया था, बंद हो गया, हाँ वो है वार्म है, एक्चुअली वार्म है, जीरो पे करने पे भी वार्म है शायद ये ना। कई बार मेरा लास्ट टाइम में क्या हुआ था कि वो शायद ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे ही शायद ये जीरो होगा, तो लास्ट टाइम आया था हमारा जीरो पे फुल था, ऐसा था। तो नॉब भी ना कई बार धोखेबाज होता है, एक नंबर पे शायद बंद है कि क्या पता नहीं, देखना पड़ेगा। एनीवे मतलब नॉब फंक्शन कर रहा है क्योंकि तीन पे था तो बहुत तेज जलने लगा था, हाँ टेम्परेचर बढ़ने लगा। ओके ठीक है दोस्तों, ओके बाय।